गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इन प्लस टू क्लास क्रैश कोर्स वी वर स्टडिंग अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर. इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड. एंड In holozoic mode of nutrition, what are the various processes and in human being? There is a holozoic mode of nutrition in which various five processes are included: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. And for it, the various organ work in a coordinated manner, that is called, that group of organ is called organ system, that is called digestive system. एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके थे. आज हम बात करेंगे बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होते हैं बेटा? वो ग्लैंड होती हैं जो अपने सिक्रेशन को किस में सिक्रेट करेंगी? एक डक्ट में सिक्रेट करेंगी, ना कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है? और एक्चुअल में ये होती क्या है? द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ मॉडिफाइड एपिथीलियम टिश्यू. और जो मॉडिफाइड एपिथीलियम टिश्यू है उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड किसकी बनी होंगी? मॉडिफाइड एपिथीलियम टिश्यू की. और एपिथीलियम टिश्यू के अंदर जो मॉडिफिकेशन होगा, जो किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू. अब सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अब याद रखना बेटा, इनमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल. ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर सिचुएट करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर सिचुएट करती हैं, ठीक है? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. बट द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, दीज आर द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ डक्ट. जो डक्ट के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई हैं, सो दीज आर कॉल्ड असेसरी ग्लैंड. तो असेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज. इन्हें असेसरी क्यों बोला गया? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ डक्ट. डक्ट की मदद से ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच हैं. फिर आता है बेटा सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? माउथ में प्रेजेंट होती हैं. थ्री इन पेयर्स, तीन पेयर होते हैं इसके. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा? जस्ट हमारे कान के नीचे की, कान के नज़दीक नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. दीज आर कॉल्ड पैरोटिड. लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, तो कौन सी है? पैरोटिड. कहाँ प्रेजेंट है? बिलो नियर ईयर्स, कान के नज़दीक नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती हैं. और जो सलाइवरी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है, इससे जो डक्ट जो सलाइवा को लेके आएगी, उस डक्ट का नाम है स्टेंसन्स डक्ट. और स्टेंसन्स डक्ट ओपन कहाँ पे होगी? जो अपर जाके सेकेंड मोलर हैं, तीन मोलर होते हैं ना बेटा, तीन मोलर में से जो मिडल मोलर है दैट इज कॉल्ड सेकेंड मोलर. उस सेकेंड मोलर के नज़दीक ये डक्ट जो है ओपन होगी. आई बात समझ में? तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? लार्जेस्ट है. और प्रेजेंट कहाँ बेटा? कान के नज़दीक नीचे की तरफ प्रेजेंट है. इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं? स्टेंसन डक्ट बोलते हैं. और स्टेंसन डक्ट जो है वो कहाँ ओपन होगी? ओरल कैविटी में, जो सेकेंड अपर जाके सेकेंड मोलर के नज़दीक ये ओपन होगी. सेकेंड सलाइवरी ग्लैंड इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होती है. कहाँ प्रेजेंट है? जीभ के जस्ट नीचे की तरफ, टंग के बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है. जैसे ये टंग है तो टंग के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है? इसकी डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस. और ये डक्ट ऑफ रिविनस कहाँ ओपन होगी सलाइवा को रिलीज करने के लिए? इट ओपन इनटू फ्लोर ऑफ लोअर जा. जो हमारा नीचे का जबड़ा होता है, इस नीचे के जबड़े के फ्लोर में ओपन होगी, फ्रश में ओपन होगी. सब मैंडिबुलर, थर्ड इज सब मैंडिबुलर. और सबसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो कौन सी है? सबलिंगुअल. और मिडल साइज कौन सी है? सब मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर कहाँ प्रेजेंट होती है? जो लोअर जा का एंगल है ना, ये, ठीक है, ये एंगल,
इस एंगल के नीचे प्रेजेंट होती है, एंगल के नजदीक प्रेजेंट होती है, इस एंगल पे प्रेजेंट होगी ये कौन सी, सब मैंडिबुलर। इसे सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है क्योंकि जो अपर जा की बोन है दैट इज कॉल्ड मैक्सिला, और जो लोअर जा की से क्या बोलते हैं मैंडिबल, और दोनों का जो जंक्शन होता है, जो एंगल बनता है यहाँ पे, इस एंगल पे प्रेजेंट होती हैं, तो इन्हें इनसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, तो इन्हें क्या भी कह सकते हैं, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो है ये मीडियम साइज की होती हैं, कहाँ प्रेजेंट है, एट द एंगल्स ऑफ लोअर जा। इसकी डक्ट का नाम क्या है बेटा, वाट्रॉन्स डक्ट, और वाट्रॉन्स डक्ट जो है ओपन कहाँ होगी, नियर सेंट्रल इंसीजर, जो लोअर नीचे वाले जा में जो ये सामने के दो इंसीजर हैं, ये इंसीजर के नज़दीक अंदर की तरफ ओपन होगी। आप मुंह को यूं करके स्लाइवा को सक करके देखो और ऑब्जर्व करो कि स्लाइवा जो हो कहाँ कहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो तीन प्रकार की है, लार्जेस्ट पैरोटिड, स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल, मिडिल साइज की कौन सी है, सब मैंडिबुलर। ये स्लाइवा को कहाँ रिलीज करेगी, अपर जाके मिडल मोलर के नज़दीक, ठीक है। इसकी डक्ट का नाम क्या है, स्टेंसन्स डक्ट। सबलिंगुअल जो है वो सबसे छोटी होती है, टंग के जीभ के नीचे प्रेजेंट होती, इसकी डक्ट का नाम है रिविनस, ठीक बेटा। अब एक चीज़ और याद रखना कि जो पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड है, इस पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड में अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक डिजीज कॉज होती है, दैट इज कॉल्ड मम्प, अपने यहाँ पे उसे बोलते हैं कन्फेड, ठीक बेटा। अब जो ये स्लाइवरी ग्लैंड है, तीन स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है, इन स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, दे सिक्रेट स्लाइवा। ये किसका सिक्रेशन करेंगी, स्लाइवा। और व्हाट इज स्लाइवा, स्लाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस, स्लाइवा क्या है, एक वाटरी सब्सटेंस है, ठीक है, विच इज कंपोज्ड ऑफ, जो किस किस का बना हुआ है, वाटर का 99.5% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, म्यूसिन, ठीक है, और म्यूसिन प्रेजेंट होंगे। अब जो है वाटर, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसकी पीएच कितनी होगी, द पीएच ऑफ स्लाइवा इज 6.8, और हम एक दिन में लगभग कितनी स्लाइवा रिलीज करते हैं, अबाउट 1000 to 1500, 1000 से 1500 ml जो है हम एक दिन में स्लाइवा रिलीज कर देते हैं। एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, टाइलिन एंजाइम जिसे क्या भी बोलते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। लाइसोजाइम जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसे किल कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन आयन, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे। म्यूसिन जो है ये प्रेजेंट होगा, जो मास्टिकेशन के दौरान जो है फूड को सॉफ्ट करने में मदद करेगा और फूड को अडेयर करके रखेगा, उसके पार्टिकल्स को, यानी बोलस फॉर्मेशन में मदद करेगा। फंक्शन क्या क्या होते हैं बेटा स्लाइवा के, स्लाइवा का सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये मास्टिकेशन में हेल्प करेगा। मास्टिकेशन का मतलब क्या है, दांतों से चबाने के साथ स्लाइवा उसके अंदर मिक्स होती जाएगी, म्यूसिन्स जो है उन जो हम दांतों से तोड़ रहे हैं उन पार्टिकल को जोड़ के रखेगा, ठीक है, और स्लाइवा उसके अंदर मिक्स होके फूड को सॉफ्ट बना देगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मास्टिकेशन। तो पहला फंक्शन क्या होगा, मास्टिकेशन में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, स्लाइवा ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, मींस इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, टाइलिन एंजाइम या स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज, आइसो माल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है, तो डाइजेशन में भी मदद करेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से होते हैं बेटा, देखो रोगों से बचाने के लिए हमारे शरीर में जन्म से ही कुछ बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसा ही एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है स्लाइवा। स्लाइवा फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट कैसे करता है, क्योंकि स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम एंजाइम कैसे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मीन्स दे कैन डाइजेस्ट द बैक्टीरिया इफ प्रेजेंट इन फूड, ये बैक्टीरिया को जो है वो किल कर सकते हैं अगर फूड में प्रेजेंट होगा, तो दैट मीन इट ऑल्सो एक्ट एज स्लाइवरी, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर। एंड स्लाइवा ऑल्सो प्रोवाइड इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट, ये इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट भी देता है। आप देखो एक काम करना बेटा, मुंह को पार्शियली थोड़ा सा ओपन करके दांतों के अंदर से हवा को अंदर खींच के देखना, तो आप देखोगे कि जो एयर अंदर जाएगी और जहाँ पे वो टंग से टकराएगी वहाँ टंग पे जो है आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, वो किस लिए होगा, क्योंकि जब आप एयर को अंदर ले रहे हो तो जो टंग के ऊपर स्लाइवा प्रेजेंट है उस स्लाइवा से वाटर जो हो वो वेपराइज होगा, वेपराइज होने के लिए वो टंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और टंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर कम
का मजा आएगा, इसका मतलब वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा, और कूलिंग इफेक्ट किसकी वजह से हुआ, वाटर के इवेपोरेशन से, इसलिए इसे बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट। तो स्लाइवा जो है वो माउथ के अंदर टेम्परेचर को कम करने के लिए इवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट भी देगा। बेटा नेक्स्ट ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमैक, स्टोमैक की वॉल में प्रेजेंट है, और स्टोमैक की वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है इसमें तीन प्रकार की सेल होती हैं बेटा। कौन कौन सी? चीफ सेल। चीफ सेल को पेप्टिक सेल भी बोलते हैं या जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। ये किसका सिक्रेशन करती हैं? प्रोएंजाइम का सिक्रेशन करेंगी। प्रोएंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? प्रोएंजाइम्स आर दोज एंजाइम विच आर सिक्रेटेड इन टू इनएक्टिव फॉर्म। जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोएंजाइम। और चीफ सेल जो है वो दो प्रकार के प्रोएंजाइम को रिलीज करेंगे, दैट इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन जो है वो HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, ठीक है, और प्रोरेनिन जो है वो HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, और दोनों क्या करेंगे? प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा पेप्टोन में, और प्रोरेनिन जो है वो रेनिन में कन्वर्ट होके ये एक मिल्क प्रोटीन होता है कैजीन, उस केजीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। प्रोरेनिन जो है ये किस में रिलीज होता है? इन्फेंट में रिलीज होता है, अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक बेटा। दूसरे टाइप की सेल होती हैं ऑक्सिंटिक सेल और पैराइटल सेल। ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल जो हैं ये दो सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं बेटा, और दो सब्सटेंस कौन कौन से? HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं बेटा। कौन कौन से? प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा। एक्टिवेट एंजाइम्स, इन प्रो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा। एंड किल बैक्टीरिया, अगर फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और एक होता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन रोल होता है बेटा, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल किसका सिक्रेशन करेंगी? म्यूकस का रिलीज करेंगी। म्यूकस जो है इसका रोल क्या होता है? इट प्रिवेंट द स्टोमैक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से प्रिवेंट करेगा स्टोमैक वॉल को, कि भाई HCl जो है वो स्टोमैक वॉल को डैमेज ना कर पाए, या फिर जो पेप्सिन एंजाइम है ये स्टोमैक वॉल के प्रोटीन को डाइजेस्ट ना कर पाए, उसे प्रिवेंट कौन करेगा? म्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है सिक्रेशन किसका करेगी? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी। गैस्ट्रिक जूस जो है ये वाटरी सब्सटेंस होता है, जिसमें 99.5% वाटर प्रेजेंट होगा और 0.5 जो है वो रेजिड्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसकी पीएच कितनी होती है? 1.5 to 2.5, याद रखना बेटा, कई जगह पे 1.8 to 2 भी दी गई है, तो याद रखना ये 1.5 to 2.5 ये रेंज दी गई है, एवरेज जो है वो कितनी होती? 2, ठीक। इन्फेंट में पीएच कितनी होती बेटा? 5। एक दिन में हम कितना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं? 2 liter से 3 liter पर डे। और हार्ट जो स्टोमैक है, स्टोमैक के अंदर 3 से 5 घंटे के लिए जो बल रहता है, और जो स्टोमैक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आएगा दैट इज कॉल्ड काइमे, उसे क्या बोलेंगे बेटा? काइमे बोलेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो था गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद जो है वो नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आ जाती बेटा? द नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर। The largest exocrine gland, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बेटा ये। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन अपर राइट एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, अपर राइट एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। इट इज बाइलोब्ड, कितने लोब में डिवाइड होगी? 2। कौन कौन से? राइट लोब, ठीक है, राइट लोब इसका बड़ा होगा, लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब इसका क्या होगा बेटा? स्मॉल होगा, ठीक है, राइट लोब और लेफ्ट लोब।
इसका कलर कैसा होता है बेटा? लीवर का कलर होता है बेटा ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन इसका कलर होगा बेटा। ठीक है, वेट कितना होता है इसका अबाउट? मेल में इसका वेट होता है बेटा 1.4 टू 1.8 केजी, फीमेल में इसका वेट कितना होता है बेटा 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। ठीक है, मेल में कितना होगा 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम, फीमेल में कितना होगा 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, लीवर जो है, इस लीवर की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है बेटा हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल जो है बेटा, इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स जो है दे आर अरेंज्ड अराउंड ए बाइल कैनालिकुली, बाइल कैनालिकुली, बाइल कैनालिकुली के चारों तरफ हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। हेपेटिक सेल्स किसका सिक्रेशन करती हैं? बाइल का। ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करती हैं, तो पूछ लिया जाए बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करेंगी बेटा? हेपेटिक सेल्स। ठीक है, और बाइल जूस जो है वो फिर हेपेटिक सेल से किस में रिलीज होगा? बाइल कैनालिकुली में। बाइल कैनालिकुली से किस में आएगा बेटा? वो आएगा हेपेटिक डक्ट में। अब दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों लोब से हेपेटिक डक्ट जो है वो किसको लेकर आएगी? बाइल को लेकर आएगी। एक चीज़ और याद रखना बेटा, हेपेटिक लोब्यूल में क्या भी प्रेजेंट होता है? हेपेटिक साइनुसॉइड। ठीक है, हेपेटिक साइनुसॉइड के अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। और इस हेपेटिक साइनुसॉइड में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इस साइनुसॉइड के अराउंड इसके दोनों तरफ जो है क्या प्रेजेंट होती हैं? कफर सेल्स। क्या प्रेजेंट हैं? कफर सेल्स। और इन कफर सेल्स का काम क्या होता है? अगर जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कोई वॉर्न आउट, कोई डैमेज्ड आरबीसी है या वॉर्न आउट ब्लड सेल है, तो उस ब्लड सेल को क्या करेंगे? ये ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर देगी, जो वॉर्न आउट डैमेज्ड ब्लड सेल होंगी उसे वॉर्न आउट कर देगी, डैमेज कर देगी। अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा ब्लड में, तो उसे भी क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, यानी किल बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा यहाँ ब्लड में, तो उसे भी ये किल कर देंगे। ठीक बेटा, मीन्स जो हेपेटिक लोब्यूल है ये एक ऐसे यू स्ट्रक्चर होता है बेटा लीवर के अंदर। ठीक है, इसमें यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, साइनुसॉइड प्रेजेंट होते हैं और बाइल कैनालिकुली प्रेजेंट होते हैं। बाइल कैनालिकुली के चारों तरफ तो क्या है बेटा? हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट है। साइनुसॉइड के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? साइनुसॉइड के अराउंड क्या प्रेजेंट है बेटा? कफर सेल्स प्रेजेंट है। कफर सेल जो साइनुसॉइड है, साइनुसॉइड में जो ब्लड आया, उस ब्लड से ब्लड सेल्स को जो है, जो वॉर्न आउट ब्लड सेल्स होंगी उसे ब्रेक डाउन कर देंगी। हेपेटिक सेल्स किसका रिलीज करेंगी बेटा? हाँ बेटा, बाइल को प्रोड्यूस करेंगी, बाइल को रिलीज कर देंगी बाइल कैनालिकुली में। बाइल कैनालिकुली से वो किस में कलेक्ट हो जाएगा? हेपेटिक डक्ट में। और एक चीज़ याद रखना बेटा, जो हेपेटिक लोब्यूल है दे आर कवर्ड बाई ग्लिसन कैप्सूल्स। ये किसके द्वारा कन्वर्ट है? ग्लिसन कैप्सूल के द्वारा कवर्ड है। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल आर कवर्ड बाई ग्लिसन कैप्सूल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इसके बारे में, ग्लिसन कैप्सूल्स इज प्रेजेंट अराउंड किसके बेटा? हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल के अराउंड बेटा, ना कि लीवर के लोब के अराउंड। हेपेटिक लोब्यूल के अराउंड प्रेजेंट है ग्लिसन कैप्सूल। और हेपेटिक लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है बेटा? हेपेटिक सेल्स जो रेडिएटिंग मैनर में अरेंज होती हैं, वो किसका प्रोडक्शन करेंगी? बाइल का। बाइल किस में रिलीज होगा? बाइल कैनालिकुली में। बाइल कैनालिकुली से वो किस में जाएगा? हेपेटिक डक्ट में। ठीक है, हेपेटिक डक्ट इसे किस में लेके आएगी? गॉल ब्लैडर में लेके आएगी। गॉल ब्लैडर से ये किस में जाएगा बेटा? फिर सिस्टिक डक्ट में।
सिस्टिक डक्ट जो है वो इसे फिर लेके जाएगी किसके अंदर, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के पास आएगी। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ज्वाइन हो जाएगी किसके साथ, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और क्या बना देगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला। ठीक है, ये किस में ओपन होगा, ओपन इन ड्यूओडेनम, ये ड्यूओडेनम में ओपन होगा और यहाँ पे इसको रेगुलेट करेगा, इसकी ओपनिंग को रेगुलेट कौन करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो लीवर के बारे में याद रखना बेटा कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट है, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन के अपर राइट साइड में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, डार्क ब्राउन इसका कलर होगा, मेल में वेट क्या होगा 1.4 टू 1.8 केजी, फीमेल में क्या होगा 1.2 टू 1.5 केजी। लीवर के फंक्शनल यूनिट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक सेल जो रेडिएटिंग मैनर में अरेंज होंगी, जो किसका प्रोडक्शन करेंगी, बाइल जूस का प्रोडक्शन करेंगी, बाइल जूस किस में रिलीज होगा, बाइल कैनालिकुली में, बाइल कैनालिकुली से किस में आएगा, हेपेटिक डक्ट में, हेपेटिक डक्ट से किस में आएगा बेटा, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से किस में आएगा, सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट किसके साथ अटैच होगी, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और क्या बना देगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला किस में ओपन होगा, डोडिनम में, डोडिनम में ओपनिंग को कौन रेगुलेट करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रेगुलेट करेगा। एक चीज याद रखना बेटा कि जो हमारा लीवर है, ठीक है, याद रखना बेटा कि जो लीवर है दो लोब है, राइट लोब लेफ्ट लोब, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल से किस में आया, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट किस में लेके आएगी, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से जो ये वापस डक्ट जाती है दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट जो है ये किसके साथ मिलेगी, हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके ये जो बनेगी कॉमन, इसे क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट इस तरफ से पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ अटैच हो जाएगी और पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ अटैच होकर क्या बनाएगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, और जो ओपनिंग होगी इसे रेगुलेट कौन करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आई बात समझ में, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे ये एक बाइल कैनालिकुली है, बाइल कैनालिकुली के अराउंड क्या प्रेजेंट है बेटा, हेपेटिक सेल्स, ठीक है, और ये साइनोसॉइड है, इन साइनोसॉइड के अराउंड क्या प्रेजेंट है, कफर सेल्स, क्या प्रेजेंट है बेटा, कफर सेल्स। ठीक है, ये हेपेटिक पोर्टल वीन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, और ये साइनोसॉइड है, इन साइनोसॉइड में क्या फ्लो करेगा, ब्लड, ऐसे यू स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, एम्पुला, सॉरी हेपेटिक एम्पुला, दो जो क्या है बेटा, उसके फंक्शनल यूनिट। अब बात करते हैं बेटा कि जो लीवर है, लीवर सिक्रेशन किसका करेगा, लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर सिक्रेट सिक्रेट्स बाइल जूस, ये किसका सिक्रेशन करेगा, बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, मेनली याद रखना बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट कौन कौन से बेटा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट हो प्रोड्यूस होता है, तो बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो है वो ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होगा, तो ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस होगा बेटा, बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बाइल साल्ट कौन कौन से प्रेजेंट है बेटा, बाइल साल्ट प्रेजेंट है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, बाइल साल्ट जो हैं किस में मदद करेंगे, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन
ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करेंगे, मींस फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन कर देंगे। और बाइल पिगमेंट जो हैं ये किसके लिए होते बेटा, दे आर फॉर एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते, फिकल मैटर के द्वारा ये रिलीज आउट हो जाएंगे। आई बात समझ में? बाइल जो है, बाइल जूस जो होगा, बाइल जूस की पीएच प्रेजेंट होगी बेटा 8.6 होगी, और हम जो हैं 500 ml से लेकर 1000 ml बाइल जूस पर डे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बाइल जूस के अंदर याद रखना देर इज नो एंजाइम, इसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक बेटा, तो इसका रोल क्या होगा? इसके रोल होंगे बेटा न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड, जो स्टोमेक से एसिडिक फूड आया उसे न्यूट्रलाइज करेगा, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? बाइल जूस प्रोवाइड करेगा। इमल्सीफाई फैट, यानी फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में ये ब्रेक डाउन कर देगा। नेक्स्ट इसका क्या होगा बेटा, कि ये एक्टिवेट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है उसे एक्टिवेट करेगा। ठीक बेटा, ये इसका रोल होगा। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है दैट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है हाँ बेटा, ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? इट कैन एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है ये तो किसका सिक्रेशन करेगा, और जो एंडोक्राइन पार्ट्स है उसे क्या बोलते हैं? आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन। और आईलेट्स ऑफ लैंगरहैन सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स को। और जो पैनक्रियाज है वो कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रेट करती है बेटा? इट सिक्रेट हॉर्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। एक्सोक्राइन पार्ट जो है, ये एक्सोक्राइन पार्ट रिलीज करेगा 3-प्रोएंजाइम, यानी ये रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस को। और जो इसका पैनक्रियाटिक जूस है, इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 प्रोएंजाइम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? प्रो एंजाइम। और 3 क्या होंगे? एक्टिव एंजाइम। प्रो एंजाइम कौन कौन से हैं बेटा? ट्रिप्सिनोजन। कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, एक्टिव एंजाइम कौन कौन से होंगे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। आई बात समझ में? कौन कौन से होंगे? काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, और एक्टिव कौन कौन से होंगे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ठीक बेटा, हाँ बेटा, पैनक्रियाटिक जूस जो होगा, इस पैनक्रियाटिक जूस की पीएच कितनी होगी बेटा? पीएच होगी 8.4। ठीक है, और 500 ml से लेकर 800 ml तक इसे पर डे हम रिलीज करेंगे। ठीक बेटा, नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारी, पैनक्रियाज के बाद ग्लैंड आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होंगे, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन,
एंड बर्नर ग्लैंड, बर्नर्स ग्लैंड। ठीक है, जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन है इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती है बेटा, गोबलेट सेल। ठीक है, कौन कौन से बेटा, गोबलेट सेल प्रेजेंट है, ठीक, और प्रेजेंट है बेटा पेनेट सेल। गोबलेट सेल किसका सिक्रेशन करेंगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। गोबलेट सेल किसका सिक्रेशन करेंगी, एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगी। बर्नर ग्लैंड जो है ये मोस्टली किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, और मेनली किसका भी सिक्रेशन करती है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो है वो केवल स्मॉल अमाउंट में रिलीज करेगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो, या कौन बर्नर ग्लैंड जो है वो सिर्फ किसका सिक्रेशन करती है, मोस्टली म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। कुछ अमाउंट में किसका सिक्रेशन करेगी, स्मॉल अमाउंट में एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। और क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन क्या होते हैं बेटा, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर जो विलाई प्रेजेंट है, तो विलाई के बीच में जो ये अंदर की तरफ डिप्रेशन प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन। इसी को क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन बोला जाएगा बेटा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हाँ, बर्नर ग्लैंड के बारे में एक खास बात और याद रखना, इट इज प्रेजेंट स्पेशली इन डुओडिनल, डुओडिनल रीजन, कि डुओडिनल रीजन में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि कौन सी ग्लैंड है जो डुओडिनल रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होती, दैट इज बर्नर ग्लैंड। आई बात समझ में। इसके अलावा आर्जेंटा फिन सेल्स प्रेजेंट होती बेटा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, कौन सी प्रेजेंट होती हैं, आर्जेंटा फिन सेल्स। जो आर्जेंटा फिन सेल्स है ये किसका सिक्रेशन करेंगी, हॉर्मोन का सिक्रेशन करेंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हॉर्मोन सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में हॉर्मोन सिक्रेट करने वाली सेल कौन सी हैं, आर्जेंटा फिन सेल्स। ठीक है, और क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन में दो प्रकार की सेल हैं, गोबलेट सेल और पेनेट सेल। जो गोबलेट सेल हैं ये किसका सिक्रेशन करेंगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। पेनेट सेल जो हैं ये किसका सिक्रेशन करेंगी, एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगी। और जो यहाँ से जो जूस निकलेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। उसे क्या बोलेंगे बेटा, सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। ठीक है, पेनिथ सेल। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस रिलीज होगा उसे क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। आई बात समझ में। और जो सक्कस एंटेरिकस होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से होंगे बेटा, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज एंजाइम होगा, डाइपेप्टाइडेज होगा, ठीक है, लैक्टेज होगा, माल्टेज होगा, न्यूक्लियोसाइडेज होगा, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके एट्सेट्रा, ऐसे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा, जो डाइजेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट, कंप्लीट द डाइजेशन, जो डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड का डाइजेशन कैसे होगा। और डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ से शुरू होगा
एंड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा. अगर शुरू से बात करें बेटा हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो माउथ में. माउथ के अंदर क्या होगा बेटा, स्टार्च जो है 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा. किसके द्वारा, अल्फा अमाइलेज या फिर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा. स्लाइवरी अमाइलेज इसमें किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन्स इसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा. स्लाइवरी अमाइलेज किस पीएच पे करता है बेटा, 6.8 पीएच पे करेगा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. और जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और माल्टोज क्या है, एक सुगर, अंडरस्टैंड, ठीक है. बाकी 70% का क्या होगा, आगे जो स्टार्च का डाइजेशन होगा वो किस में होगा बेटा, स्टोमैक के अंदर. इसका कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर ये जाके डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक जूस. और जो पैनक्रियाटिक जूस होगा ये किस में रिलीज होता है, ड्यूओडेनम में. और ड्यूओडेनम में जो है क्या होगा कि जो 70% स्टार्च का डाइजेशन होगा, यानी अगर जितनी स्टार्च डाइजेस्ट हुई उसका 30% तो स्टोम माउथ में डाइजेस्ट हो गया, और 70% किस में डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज. पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, वही माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देगा बेटा. माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होगा, सक्कस एंटेरिकस यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या होगा, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे. यानी माल्टेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, माल्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में. और वो कौन होगा, माल्टेज एंजाइम. माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. सुक्रोज एंजाइम क्या कर, या सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, जो हम चीनी खाते हैं वो क्या होती है, सुक्रोज. इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, सुक्रेज एंजाइम. सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में. इसी प्रकार जो हम दूध पीते हैं, दूध के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर. इस लैक्टोज शुगर को जो है लैक्टेज नाम का एंजाइम होगा वो ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. इस प्रकार इंटेस्टाइनल जूस जो है वो डाइजेशन को कंप्लीट करेगा, किसके डाइजेशन को, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को. तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, कंप्लीट. अब बात करते हैं बेटा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है. तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो शुरू होगा स्टोमैक से, ठीक है. स्टोमैक में क्या होगा बेटा, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजन एच सी एल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में. और पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा किस में, पेप्टोन में. कौन करेगा, पेप्सिन, ठीक है. दूसरा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, प्रोरेनिन. प्रोरेनिन क्या करेगा, केजीन प्रोटीन जो है उस केजीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देगा पैराकेजीन में. और पैराकेजीन जो है वो कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम पैराकेजीनेट. क्या बना देगा, कैल्शियम पैराकेजीनेट. और जो कैल्शियम पैराकेजीनेट है इसको फिर लाइपेज एंजाइम जो है, सॉरी पेप्सिन एंजाइम, ये कन्वर्ट कर देगा बेटा किसके अंदर, पेप्टोन में.
वो इसे फर्दर पेप्टोन में ब्रेक डाउन कर देगा। तो स्टोमेक में प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो गया? पेप्टोन में। अब ये पेप्टोन किस में जाएंगे? दे रीच इन द पेप्टोन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि स्टोमेक में सारा ही प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। कुछ प्रोटीन, पेप्टोन और जो स्मॉल ब्रेक डाउन प्रोटियोजिज हैं, वो प्रोटियोजिज फिर किस में जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, यानी डुओडिनम में गए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएंगे तो वहाँ पे पेनक्रियाज जो है उसने रिलीज किए थे ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाला एक एंजाइम था, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम इसे कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया? ट्रिप्सिन में। फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा? वो काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। कौन करेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, और ट्रिप्सिन क्या भी करेगा? ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। कौन? ट्रिप्सिन। और फिर ये तीनों मिलके क्या करेंगे? ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये मिलके ब्रेक डाउन करेंगे जो प्रोटीन रह गया था ना, उस प्रोटीन को मिलके ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों मिलके ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? पेप्टोन में। ठीक है, और इस पेप्टोन को जो है वो डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा कौन? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आई बात समझ में? प्रोटीन जो रह गया था, जो अनडाइजेस्टेड रह गया था, उसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पेप्टोन्स में। फिर पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में ब्रेक डाउन कौन कर देगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब डाइपेप्टाइडेज जो ये फॉर्मेशन हुआ, डाइपेप्टाइड का जो फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इससे एक एंजाइम रिलीज हुआ था डाइपेप्टाइडेज। वो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करेगा? वो डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा कौन? डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक बेटा, इस प्रकार प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? स्टोमेक से। कंप्लीट किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है बेटा, डाइजेशन ऑफ लिपिड, कि लिपिड का डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में तो लिपिड का डाइजेशन होता है बेटा किसके अंदर? स्टोमेक के अंदर। लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में होता है। बाकी लिपिड जो है, यानी लार्ज फैट ग्लोब्यूल, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल ब्रेक डाउन होंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन होंगे किसके द्वारा? बाइल साल्ट के द्वारा, यानी बाइल जूस के द्वारा। इसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सीफिकेशन। इस इमल्सीफिकेशन यानी इमल्सीफाइड फैट के अंदर इस स्मॉल फैट ग्लोब्यूल पे एक्ट करेगा लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम इसे ब्रेक डाउन कर देगा किसके अंदर? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार लिपिड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बेटा, हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, कि डाइजेशन का रेगुलेशन कैसे होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग अलग एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए दोनों प्रकार का रेगुलेशन प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। केमिकल का मतलब क्या है? हार्मोनल।
अब न्यूरल रेगुलेशन में क्या है बेटा कि देखो माउथ के अंदर जैसे ही फूड प्रेजेंट होगा तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, सलाइवा का सिक्रेशन करना शुरू कर देंगी। इसी प्रकार जो खुशबू आती है किसी भी खाने की, जो स्मेल आएगी उस स्मेल से जो ब्रेन का पर्टिकुलर हिस्सा हंगर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट स्टिमुलेट होगा, वहाँ से इम्पल्स क्रिएट होके आएंगे। उन इम्पल्स को क्रिएट करने के बाद वो इम्पल्स आएंगे बेटा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है म्यूकोसा, म्यूकोसा से क्या प्रेजेंट है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ क्या है मस्क्यूलेरिस, ठीक है। सब म्यूकोसा में मिस्टर जो है प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और मस्क्यूलेरिस में और बैक प्लेक्सस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स और बैक प्लेक्सस तक आएंगे, ये तो क्या करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कन्वर्ट करेगा, सॉरी कंट्रोल करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स और बाउल मूवमेंट्स, यानी स्टोमेक की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, या सॉरी एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा कौन, और बैक प्लेक्सस। और मिस्टर प्लेक्सस जो होगा इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। हॉर्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट होंगे बेटा, जैसे गैस्ट्रिन हॉर्मोन है, सिक्रेटिन हॉर्मोन है, कौन सा है सिक्रेटिन हॉर्मोन है, इसके अलावा सीसी के कोइलोसाइटोकिन हॉर्मोन है, ठीक है। तो अलग अलग जो हॉर्मोन रिलीज होंगे, अब ये हॉर्मोन क्या करेंगे दे स्टिमुलेट, और एक कौन सा होगा बेटा इनहिबिन हॉर्मोन भी रिलीज होगा, इनहिबिन जो हॉर्मोन होंगे ये क्या करेंगे बेटा जो स्टिमुल या तो स्टिमुलेट करेंगे किसको, डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को, एंजाइम सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे। और जो इनहिबिटिंग हॉर्मोन होंगे वो क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे, ठीक है। कि डाइजेस्टिव जूस कितनी अमाउंट में सिक्रेट हो उसको मॉडरेट करने के लिए अलग अलग हॉर्मोन रिलीज होंगे, हॉर्मोन के सिक्रेशन को कौन रेगुलेट करेगा प्लेक्सस, नर्वस कंट्रोल के अंदर होगा। इस प्रकार न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल या हॉर्मोन दोनों मिलके क्या करते हैं डाइजेशन को रेगुलेट करेंगे। ब्रेन से जो इम्पल्स आएंगे वो कहाँ तक आएंगे लोकल नर्वस सिस्टम, लोकल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट हैं प्लेक्सस और बैक प्लेक्सस एंड मिस्टर प्लेक्सस, ठीक है। आई बात समझ में, तो रेगुलेशन किसके द्वारा होगा न्यूरल रेगुलेशन होगा और केमिकल या हॉर्मोनल रेगुलेशन होगा। अब बात करते हैं बेटा कि डाइजेशन होने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एब्जॉर्प्शन। हाँ बेटा, एब्जॉर्प्शन मीन ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड और द डाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से बल्ड लिम्फ के अंदर ट्रांसफ़र होना, बल्ड के अंदर या लिम्फ के अंदर ट्रांसफ़र होना दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशन है दैट आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब विलाई जो हैं इस विलाई में जो ये सेंट्रल ग्रीन कलर से जो बनाया गया ये क्या है बेटा लैक्टियल लिम्फ वेसल है बेटा, ठीक है। और ये क्या है बल्ड कैपिलरीज, इसके अंदर बल्ड फ्लो करेगा। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है बेटा विलाई, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो दो प्रकार से होगा पैसिव और एक्टिव। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का ट्रांसफर होना, ठीक है, विदाउट यूजिंग एटीपी, एटीपी का यूज किए बिना, दैट इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो या तो ऑस्मोसिस के द्वारा होगा या डिफ्यूजन के द्वारा होगा। ऑस्मोसिस के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। ऑस्मोसिस के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होगा बेटा वाटर का। और ऑस्मोसिस क्या होता है ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है बेटा सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल का मतलब क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना विदाउट यूजिंग एनी मेम्ब्रेन प्रोटीन, किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज किए बिना, जैसे विटामिन और क्लोरीन आयन का ट्रांसफर हो जाता है।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, या तो किसी आयन की कैरियर आयन की मदद से या कैरियर प्रोटीन की मदद से, ठीक है, जो ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे सोडियम आयन, ये क्या है, कायन कैरियर, आयन कैरियर की प्रेजेंस में मैनोज और फ्रुक्टोज का ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा मैनोज और फ्रुक्टोज का। ठीक बेटा, अब बात करते हैं कि जो एक्टिव डिफ्यूजन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ किसका यूज़ करते हुए, एटीपी का यूज़ करते हुए, एटीपी का यूज़ करते हुए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ न्यूट्रिएंट्स का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है या सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा, अमीनो एसिड का होगा, मोनोसोक्राइड जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी कैसे होगा, एटीपी का यूज़ करके, इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम आयंस, तो इलेक्ट्रोलाइट जो साल्ट हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा ही होगा बेटा। अगर बात करें किसका बेटा, फैट एब्जॉर्प्शन का, तो फैट जो है ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी, पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है वो बाइल साल्ट की मदद से किस में कन्वर्ट होंगे, एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट करके क्या बना देंगे, मिसेल का फॉर्मेशन कर देंगे, और फिर जो ये मिसेल्स हैं, ये मिसेल्स क्या करेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथीलियल सेल्स में ट्रांसफ़र होंगे, एपिथीलियल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्हें मॉडिफाई करेगा और इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बना देगा, और इस प्रोटीन कवर्ड जो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। फिर ये काइलोमाइक्रोन जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे कहाँ, पहले लिम्फ में ट्रांसफ़र होंगे, और लिम्फ से किस में ट्रांसफ़र होंगे, फिर ब्लड में। याद रखना फैट मॉलिक्यूल जो है, फैट का सीधा एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होगा, पहले किस में एब्जॉर्प्शन होगा, लैक्टियल में, लिम्फ में, और फिर लिम्फ से ट्रांसफ़र होगा किस में, ब्लड में। इस ये काइलोमाइक्रोन ज़रूर याद रखना बेटा, प्रोटीन कोटेड जो फैट मिसेल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। ठीक बेटा, ये तो था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या था बेटा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड का यूटिलाइजेशन करना, और यूटिलाइज किसके लिए होगा, एनर्जी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए होगा बेटा, एनर्जी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, एनर्जी के लिए होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा डाइजेस्टेड फूड से क्या रिलीज कर दिया जाता है बेटा, एनर्जी रिलीज कर दी जाएगी, और जिस न्यूट्रिएंट को रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, आई बात समझ में। एक ग्राम फूड को की बर्निंग से या कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, उसे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अगर यही कैलोरीफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरी मीटर में कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कैलोरीफिक वैल्यू, और अगर यही किसके अंदर कैरी की जा रही है, ह्यूमन या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो है एक ग्राम फूड का कंबशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। आई बात समझ में। हाँ बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि अगर एक ग्राम हीट, एक ग्राम फूड को कंबशन किया जाए, कंप्लीट कंबशन से जितने अमाउंट में हीट लिबरेट होगी दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। अगर एक ग्राम फूड को हम बॉब कैलोरी मीटर में, किसमें बेटा, बॉब कैलोरी मीटर के अंदर अगर हम कंबस्ट कर रहे हैं तो उससे जितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अगर लेकिन सेम जो है ग्रॉस जितना हीट जो है वो लिबरेट लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं होगी, क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे भी होंगे जिसके अंदर सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो सकता है, तो वहाँ पर डिफरेंस आता है।
तो लिविंग सिस्टम के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल, जो एक्चुअल लिविंग सिस्टम में हीट लिबरेट होगी 1 ग्राम फूड के कंबसन से, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ग्रोस और फिजियोलॉजिकल। प्रोटीन के लिए कितना होगा ग्रोस? 5.65, कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 और फैट के लिए 9.45। ये भी याद रखना, ये किस में दिया गया है? किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार फिजियोलॉजिकल 4, 4 और 9 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रीडिंग जरूर याद रखना, 2 से 3 बार लिख के देख लेना चाहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हुआ मोस्टली अकर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा वहाँ से कुछ साल्ट, ठीक है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो सेमी सॉलिड फेसिस बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचेगा, वो कलेक्ट होगा किसके अंदर? रेक्टम में। रेक्टम पे जो है, जो एनस है, एनस पे एक अंदर की तरफ मस्क्यूलर वाल प्रेजेंट होता है, एक आउटर प्रेजेंट होता है। जो अनर है, इनर है, इसे इनर स्फिंक्चर बोलते हैं। ये कैसा है? इनवोलेंटरी। कैसा बेटा? इनवोलेंटरी। जब फेकल मैटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा तो जो ये वाल है यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे रेक्टम की वाल पे। स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो इम्पल्स भेजेंगे ब्रेन के पास, ब्रेन से इम्पल्स आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन आएगा और जो इंटरनल स्फिंक्चर है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल स्फिंक्चर ओपन हो जाएगा, अब फिकस मैटर जो है वो किसके ऊपर प्रेशर डालेगा? एक्सटर्नल स्फिंक्चर पे या स्फिंक्टरनी। जो एक्सटर्नल स्फिंक्चर है ये वोलेंटरी है। कैसा बेटा? वोलेंटरी। जब इस पे प्रेशर आएगा तो ब्रेन तक फिर से इंपल्स जाएंगे, और ब्रेन तक जब इंपल्स जाएंगे देन वी फील दैट वी आर ईगर टू पास द स्टूल, ठीक है। और फिर हम स्टूल पास करने के दौरान इस वॉलेंट्री स्फिंक्चर को ओपन करेंगे और स्टूल को पास आउट कर देंगे। जो फिकस मैटर होगा उसमें याद रखना बेटा 3/4 जो है वो वाटर होता है और 1/4 जो है वो क्या होता है? सॉलिड मैटर होता है। और सॉलिड मैटर जो है उसमें भी का 3% जो है वो क्या है? बैक्टीरिया। 10 से 20% क्या है? फैट। 2 से 3% प्रोटीन और 15% उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। और 3% उसके अंदर क्या होगा? सॉरी, 30% उसके अंदर क्या होगा बेटा? अनडाइजेस्टेड रफेज। क्या होगा बेटा? अनडाइजेस्टेड रफेज, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना बेटा कि जो फिकस मैटर है उसका ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है? दो पिगमेंट होते बेटा, स्टेरकोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिन। स्टेरकोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिन, इनकी वजह से फिकस का कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है बेटा, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक जो आता है आपका वो आता है बेटा एलिमेंट्स ऑफ और डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर कौन कौन से बेटा? सबसे पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। जॉन्डिस कब होता है बेटा? कि जब बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए, बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाएगी तो बाइल जूस के साथ जो बाइल पिगमेंट हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे। एक्सक्रीट नहीं होंगे तो उनकी पिगमेंट, उनकी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, और बाइल पिगमेंट की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होना ही क्या कहलाएगा? जॉन्डिस, यानी पीलिया, ठीक है। एक होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है बेटा? अपच, ठीक है, या तो फीडिंग हैबिट की वजह से, ठीक है, या इम्प्रॉपर बाउल मूवमेंट की वजह से, या फिर एंजाइम के सिक्रेशन के सप्रेशन की वजह से। अगर हमारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाए एंड वी फील फुली, और हमें ऐसा लगता है कि पेट भरा रहता है और खाने का मन नहीं करता, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे? इंडाइजेशन बोलेंगे। दूसरा क्या होता है बेटा? डायरिया। जो डायरिया है यानी दस्त, ये किस कंडीशन में हो सकते हैं? या तो किसी पैरासाइट की वजह से हो सकते हैं, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हो सकते हैं, या कोई दूसरा पैरासाइट है उसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। एक है बेटा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होगा कि भाई जब स्टूल जो है वो ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है, और वी आर नॉट फील ईजी टू पास द स्टूल और फिसिस, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। उसे क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे।
वोमिटिंग बेटा, वोमिटिंग क्या होगा, इजेक्शन ऑफ स्टोमैक कंटेंट, जो स्टोमैक कंटेंट है पेट के अंदर जो कंटेंट है उसका इजेक्शन हो जाना इनवॉलेंटरीली, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। और वोमिटिंग जो है एक रिफ्लेक्स है जिसे कंट्रोल कौन करता है बेटा, मेडुला। कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला बेटा, ठीक है। तो याद रखना वोमिटिंग को कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला। एक चीज़ और याद रखना कि जो हम डाइट्री डेफिशिएंसी है, हम जो खाना खा रहे हैं ज़रूरी नहीं उसके अंदर हर न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कम हो उस फूड की, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो इसकी वजह से एक जो मेन है दैट इज़ EPEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो या तो कैलोरीज की डेफिशिएंसी उसके अंदर या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स अपीयर होंगे दैट आर कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें मेन दो डिजीज़ याद रखना बेटा, मैरास्मस और क्वासियोरकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, नीट एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉइंट खासकर इंक्लूड किए गए हैं नई आपकी जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अंदर बेटा, मैरास्मस, ठीक है, एंड क्वासियोरकर। मैरास्मस जो है ये एक साल से, वन ईयर इन्फेंट में होता है बेटा, प्रोटीन और एनर्जी, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है बेटा, ठीक है। यानी मदर मिल्क को रिप्लेस कर ले कोई ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी कम है और एनर्जी कंटेंट भी कम है, ठीक है। उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये कब होता है, लेस देन वन ईयर, ठीक है, एक साल से कम का बच्चा जब होगा उसके अंदर खासकर होता है। अगर उसे माँ के दूध के बजाय एक्स्ट्रा डाइट पे रिप्लेस कर दिया जाए और वो डाइट जो है वो प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो उसके अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, मैरास्मस बोलेंगे, ठीक है। और क्वासियोरकर ये एक साल से ज़्यादा के बच्चों में होता है, लेकिन इसमें क्या है मेनली किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, हाँ बेटा, प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होगा, मींस एक साल से ज़्यादा का बच्चा हो और उसे माँ के दूध से डाइट पे रिप्लेस कर दिया जाए और उस डाइट के अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो तो कम हो लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो पर्याप्त हो, तो उसे कैलोरी और एनर्जी तो प्रॉपर मिल रही है लेकिन प्रोटीन कंटेंट उसके अंदर क्या होगा, कम होगा। इस कंडीशन को बोलेंगे क्वासियोरकर, ठीक बेटा। ये था कंप्लीट आपका चैप्टर, इस कंप्लीट चैप्टर का असाइनमेंट मैं आपके पास भेज दूंगा बेटा, उसे सोल्व करना। अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को डिस्कस करना।